मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने घर कुछ दिन रहने के लिए आमंत्रित किया। जब मैं उसके घर पहुंचा तो देखा कि घर के गेट में लिखा हुआ था कुत्ते से सावधान और घर की रखवाली करने वाला एक कुत्ता बंधा हुआ था। मैं जैसे ही गेट के पास पहुंचा तो कुत्ता मुझ पर भौंकने लगा। मेरा दोस्त तुरंत बाहर निकला और कुत्ते पर चिल्लाया, ब्रूनो शांत हो जाओ। कुत्ता बंधा हुआ था, मालिक की आवाज सुनकर शांत हो गया। मैं समझ गया कि ये एक अपर क्लास कुत्ता है और मैं अपर क्लास की इज्जत करता हूं, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो। शाम को हम लोग घर के लॉन में बैठे हुए थे, मैं डाई और कुत्ते को वॉक के लिए ले जाने लगी। गेट के बाहर से गली के दो आवारा कुत्ते ब्रूनो को घूरने लगे। ब्रूनो उनको देखते ही भौंकने लगा। गली के कुत्ते डरकर भाग गए। मेरे दोस्त ने कहा कि ये तो रोज का किस्सा है, जब भी ब्रूनो खेलने के लिए निकलता है ये आते हैं और उसको घूरने लगते हैं। मैंने कहा, पर इसको उन पर भौंकना नहीं चाहिए, ये तो आराम की जिंदगी जी रहा है और वो गली के आवारा भूखे कुत्ते हैं, इसको उन्हें इस तरह जलील नहीं करना चाहिए। देर रात गली के आवारा कुत्ते भौंकने लगते तो ब्रूनो भी उनका साथ देने लग जाता। मैं सोचने लगा कि ये उनके ऊपर भी भौंकता है और उनके साथ भी भौंकता है, जैसे कह रहा हो कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं, तुम में से ही एक हूं। मुझे अब ब्रूनो के क्लास पर शक होने लगा, ये अपर क्लास कुत्ता नहीं है। तीसरे दिन मैंने देखा कि ब्रूनो बिल्कुल सुस्त और हारा हुआ जमीन पर लेटा पड़ा है। बाहर गली के कुत्ते भौंक रहे थे पर यह शांत था। मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या हुआ इसे? उसने बताया कि कल गेट खुला देखकर ये बाहर निकल गया और गली के आवारा कुत्तों ने इस पर हमला कर दिया। मैं कुत्ते की तरफ देखकर सोचने लगा कि शायद ऐसा हुआ होगा कि ब्रूनो गेट से बाहर निकला होगा, अपनी रुआब में उन कुत्तों पर भौंका होगा, फिर वो इस पर टूट पड़े होंगे। उनको इसका डबल स्टैंडर्ड समझ में आ गया कि लान में खेलता है, चिकन खाता है, हम पर भौंकता भी है, पर जैसे ही कोई खतरा आए तो हमारे साथ होने का दिखावा करता है। अगर हमारे साथ है तो निकल अपने बंगले से, आ रहे गली में, खा सड़क पर फेंका हुआ खाना। ब्रूनो फिर गुस्से में उन पर चिल्लाया होगा और इस मुसीबत में अपने आप को फंसाया होगा, और अब ये सुस्त पड़ा हुआ अपनी असली क्लास के बारे में सोच रहा होगा।